नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं वो FMCG का एक, आप कह सकते हो कि वो राहुल द्रविड है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेंट स्टॉक व्हेन द स्टॉक इज फॉलिंग एंड इट गिव यू स्ट्रेंथ व्हेन स्टॉक इज ऑन द बुलिश रन। सो मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है डाबर। दोस्तों ये बहुत दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, अभी उसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है और कई ब्रोकरेज हाउस है जिसमें जिन्होंने इस कंपनी में बहुत ही ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, इसीलिए मैं आज आपके सामने वो सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, किस ब्रोकरेज हाउस ने क्या कहा ये सब बताऊंगा। तो वीडियो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे करके अप्रिशिएट ज़रूर करें। दोस्तों ये है डाबर का शेयर और जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आज 0.51% ऊपर बंद हुआ है 543.55 रुपये में। ठीक है, देखिए 543.55 रुपये में शेयर बंद हुआ है और ये पिछले एक महीने का चार्ट है। एक महीने में आप देखें तो 520 से लेकर 545 तक ही कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो है ना ये अक्सर ही ऐसे ही काम करता है, ये। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके NSE की वेबसाइट में, ये देखिए इस NSE की वेबसाइट में अगर मैं इसको ट्रेड इन्फॉर्मेशन में आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए इसमें कितनी डिलीवरी है 57.95% की। देखिए ये जो 57.95% है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी है और इसको लोग खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये एक ट्रेडिंग शेयर नहीं है। ट्रेडिंग शेयर क्या है, आप इसका मतलब क्या है कि भाई आप इसको खरीद के दो मिनट बेच दिए कि चार पाँच दिन में बेच दिए या पोजिशनल ट्रेडिंग ले लिए। देखिए अभी ये ना 543 में ट्रेड कर रहा है तो अभी से पोजिशनल ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर हाँ, अगर जब इसमें पोजिशनल ट्रेड आई थी जब ये 520 रुपये में था, 500 जब ये 20 रुपये में था, तब यहाँ से अगर आप बाई शुरू करते तो आपके लिए बहुत अच्छा था। और जो इसका सबसे अच्छा सपोर्ट, बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 500 रुपये में। 500 रुपये में ये शेयर एक बहुत ही ज़बरदस्त बाय है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें यहाँ एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताऊँ कि भाई अब जो ब्रोकरेज हाउस है उसमें क्या टारगेट दिए हैं इस डाबर के लिए। दोस्तों डाबर के लिए जो टारगेट मिले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। देखिए ICICI प्रूव स्टॉक दैट ओशो कृष्णन ऑफ आनंद राठी इज बुलिश ऑन। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आर्टिकल में इसमें क्या लिखा गया है। बाय ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टारगेट 595, ये एक स्टॉक का है डाबर के लिए। देखते हैं, डाबर हैज बिन ट्रेडिंग इन अ साइकिल ऑफ हायर हाइज हायर बॉटम्स एंड हैज रिसेंटली सीन रिसर्जेंस फ्रॉम इट्स 200 DMA से ऊपर क्लोजिंग दिए। नाउ विथ मंडेज क्लोजिंग द स्टॉक हैज सर्ज अबव ऑल इट्स मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन द डेली टाइम फ्रेम इंडिकेटिंग इनहेरेंट स्ट्रेंथ। देखिए ये जो ना जितने अपने मूविंग एवरेज थे ना उससे बहुत ही ऊपर क्लोज किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस स्टॉक के ऊपर। ठीक है, स्टॉक का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नाउ ऑन द ऑसिलेटर फंड द 14 पीरियड RSI हैज सीन पॉजिटिव क्रॉसओवर फॉर्मिंग द बुल स्टांस इन द काउंटर फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है ये। और इसके आप स्टॉप लॉस देखिए 519 में लेकर के टारगेट 574 के हैं। भाई ये किसका टारगेट है, ये टारगेट है आनंद राठी का। ठीक है, ICICI प्रोडेंशियल के आनंद राठी का। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं आपको हमेशा कहूँ कि जो ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स पे हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ हमें टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट निकाल रहे हैं। अगर ये दिखा रहे हैं कि भाई एक स्टॉक है जो 518 में एक अच्छा स्टॉप लॉस है, मतलब स्टॉप लॉस है एक और बहुत ही अप ट्रेंड में है, तो हमें क्या उसे खरीदना चाहिए। देखिए अभी मार्केट ऑल टाइम हाई में है तो डाबर को लेने का इस समय जो है ना सही वो हमेशा रहता है। अगर इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर तो अभी भी अगर आपको लेना है तो आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एक अच्छे समय पे खरीदना है, अगर आप एक थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ा मतलब रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 520 रुपये का इंतज़ार कीजिए। अगर ये मिले तो इस माल को दबा के उठा लीजिए। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, भाई दूसरा क्या है, मोतीलाल ओसवाल ने क्या टारगेट्स दिए हैं। भाई बाय डाबर,
बाय डाबर टारगेट ऑफ ₹620। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट आप देखिए ₹620 के, ये बहुत ऊपर है। अगर मैं करंट लेवल से ही बात करूं तो ये कम से कम 10-15% के अपसाइड है, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा इसको पढ़ते हैं कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है। वाइल डाबर रिपोर्ट कंसोलिडेटेड सेल्स स्ट्रेंथ ऑफ 25.3% ईयर ऑन ईयर इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 21, इट वॉज ऑन अ लो बेस। दस द एवरेज सेल ग्रोथ मोमेंटम इन द लास्ट टू ईयर डिप टू अ मोर मॉडेस्ट 6.5% इन Q4 फाइनेंशियल 21 फ्रॉम 8.9% टू 11.5% इन क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री। देखिए जो डाबर का है ना कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 25% के आसपास है ईयर ऑन ईयर में Q4 21 में, जो कि थोड़ा इट वाज ऑन अ लो बेस, थोड़ा नीचे की तरफ था। दस द एवरेज सेल्स ग्रोथ मोमेंटम इन द लास्ट टू ईयर डिप टू अ मोर मॉडेस्ट 6.5%। पिछले 2 सालों में ना इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 6.5% तक थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 21 फ्रॉम 8.9% टू 11.9%। मतलब Q2 में इनका 8.9% था और Q3 में 11.5% हो गया। नाउ देयर विल आल्सो बी सम इंपैक्ट फॉर द स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी इन द बेवरेजेस बिजनेस। देखिए बेवरेजेस बिजनेस में ना जो एक्सपेक्टेशन है कि कोविड के बाद उससे कम सेल्स होगा, लगभग 15% सेल्स इन 21 फाइनेंशियल 20, क्यों, किसके कारण, लॉकडाउन के कारण, इंपैक्टिंग सेल्स इन द की समर रीजन। देखिए जो बेवरेजेस होते हैं, जो ठंडे प्रोडक्ट्स होते हैं, और डाबर के ठंडे प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे रियल फ्रूट जूस हो गया और भी बहुत सारे हैं। मैंने डाबर में एक डिटेल्ड एनालिसिस बना रखी है जो मैं अभी आई बटन में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आउटलुक क्या है इनका। गिवन द लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस वैल्यूएशन एट 43.2x FY20E डू नॉट अपीयर एक्सपेंसिव। देखिए जो 43 के अपने वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है तो ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं। नाउ वी मेंटेन अवर बाइंग रेट विद टारगेट प्राइस ऑफ 620 पर शेयर। मतलब 6.5 के टारगेट प्राइस डाबर में दिए जा रहे हैं। अब दूसरे एक की बात करते हैं भाई, दूसरा क्या है, शेयर खान ने। शेयर खान के टारगेट तो अलग ही है, 675 का टारगेट, मतलब करेंट बेसिस से 20-22% से भी ऊपर। तो शेर खान का इसमें क्या कहना है भाई, शेर खान कहना है कि डाबर इंडिया लिमिटेड डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ स्टूड एट 25% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 21 लोअर देन एज वेल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ऑफ 30-35%। जो स्ट्रीट का वैल्यूएशन था कि भाई जो डाबर की ग्रोथ है ना वो 25% होगी, वो 30-35% होगी, जो कि असल में कितनी 25%, जो कि जो एक्सपर्ट थे, सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स थे, मार्केट एक्सपर्ट्स थे, उनसे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कम आई थी। नाउ OPM stood flat at 18.9%, PAT grew by 27% to ₹371.9 crore, lower than expectation of ₹425 crore, जो भी इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम थी। तो देखिए जब इतनी ही निगेटिव है तो भाई शेयर खान ने 675 का टारगेट क्यों दिया, वो क्योंकि वो आगे ये कहते हैं ना, CRS implementation resulted in inventory correction due to lesser pre-session stocking up with distributor leading to slower revenues by ₹100-120 crore. Q4 is seasonally soft quarter for winter related healthcare products including Chyawanprash. देखिए आपको पता होगा कि डाबर का फेवरेट सीजन है, मतलब डाबर का सबसे फेमस वर्ड क्या है, डाबर च्यवनप्राश, और उसकी डिमांड जो है ना इस क्वार्टर थोड़ी कम रहती है गर्मियों में, क्योंकि आदमी च्यवनप्राश ज्यादा खाता है विंटर्स में। तो आने वाला जो क्वार्टर है वो डाबर के रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और इसी को जो है इसी को शेर खान यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका भाई आउटलुक क्या है, वी हैव रिड्यूस अवर एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 2022 बाई 7%। उन्होंने एक्सपेक्टेशन एस्टिमेट को रिड्यूस किया 7% तक फाइनेंशियल 22 के लिए। वाइल वी हैव फाइन ट्यून देम फॉर 23, वी मेंटेन बाय विद प्राइस टारगेट ऑफ ₹675, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं भैया इन्होंने, और प्रभुदास लीलाधर का टारगेट है 531, ये थोड़ा सा नीचे है दोस्तों, ये अभी जो टारगेट प्राइस है ना उससे नीचे है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि टारगेट प्राइस में ना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। डाबर एक कैसी कंपनी है, रिलायबल कंपनी, जी हाँ बिल्कुल, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, और हम अपने घर में इसके हर दिन कोई ना कोई 2-3 प्रोडक्ट यूज़ करते ही होंगे। इसमें कभी भी कोई गवर्नमेंट इशू आई है, बिल्कुल नहीं आई है, इसीलिए आपके इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है दोस्तों। आप मेरे इसमें डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।